अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नेवीगे। आज हम जिस बाइक के बारे में बात करेंगे वो है होंडा का प्राइडर 2020 मॉडल। इससे पहले मैंने होंडा CG125 और CG125 SE की जब वीडियो बनाई थी उसके 2020 मॉडल के बारे में बताया था, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि होंडा का जो प्राइडर है इसका 2020 मॉडल कब आ रहा है। तो उनके लिए कह सकते हैं खुशखबरी है कि 2020 मॉडल होंडा प्राइडर का आ चुका है और इस बाइक की पिक्चर्स अभी सिर्फ आई हैं, तो पिक्चर्स आप लोग मुलायजा फरमाएं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा होंडा का प्राइडर 2020 मॉडल। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस बाइक के अंदर सिर्फ ग्राफिक्स का चेंज किया गया है, बाकी अभी कुछ पता नहीं चला कि कोई और चेंजिंग है बाइक के अंदर या फिर नहीं। अभी सिर्फ पिक्चर्स मिली हैं तो आपको पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ। अब जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि इस बाइक के अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो वाइट और रेड, डार्क रेड उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया इसके अंदर। और उसके अलावा अगर कोई चेंजिंग होगी इस बाइक के अंदर तो जब तक मार्केट के अंदर नहीं आता तब तक आपको पता नहीं लग सकेगा। और जब मैं इस बाइक की वीडियो बनाऊंगा जब ये मार्केट के अंदर आ जाएगा तो उस वक्त इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अगर ग्राफिक्स के अलावा इन्होंने कोई चेंजिंग की है तो तभी पता लगेगा। अभी बहरहाल एक ब्लैक कलर है और अब मैं आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ इसका। यह है इस बाइक का रेड कलर, और रेड कलर के अंदर इन्होंने जो ग्राफिक्स डिज़ाइन किए हैं वो मुझे फारिग लग रहे हैं बिल्कुल। अब आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहे हैं लेकिन मुझे ये ग्राफिक्स फौरी लग रहे हैं। ब्लैक कलर के अंदर फिर भी कुछ ठीक थे लेकिन जो रेड कलर है इसके अंदर इन्होंने एक तो ग्रीन कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर इसका कॉम्बिनेशन बना दिया है और अजीब लग रहा है इसके अंदर। सही बात बताऊँ तो कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैंने सिर्फ जो मुझे जैसा लग रहा है तो मैंने आपको भी बताया। इसके अलावा बाइक के अंदर एक और कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पहले नहीं था, और वो है इस बाइक का ब्लू कलर। ये है इस बाइक का ब्लू कलर, ब्लू कलर आप देख सकते हैं इस बाइक का। और उसके अलावा पिक्चर क्वालिटी इतनी खास है नहीं, अभी तीनों बाइक्स की पिक्चर क्वालिटी इतनी खास थी नहीं, तो आपको प्रॉपर जो होता है ना एक क्वालिटी चीज़ पता लगती है तो वो तो आपको पता नहीं लग सकेगी। लेकिन जितना भी है ब्लू कलर भी इसका कह सकते हैं कि 50-50 है, अच्छा है भी और नहीं भी। और इस बाइक के जो ग्राफिक्स का कलर है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको रेड, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, ग्रे ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, इसके ग्राफिक्स के अंदर। उसके अलावा अगर प्राइस की बात कर लीजिए तो इस बाइक की प्राइस के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं की गई, प्राइस इसकी सेम टू सेम है जैसे कि पहले थी, 1,01,500 रुपये, 1,01,500 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।